नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के तृतीय भाव के विषय में। तृतीय भाव व्यक्ति के जीवन में पराक्रम कितना होगा, व्यक्ति कितनी हिम्मत से अपने जीवन में संघर्ष करेगा, परिस्थितियों के साथ लड़ेगा या हार थक कर परेशान होकर दुखी होकर बैठ जाएगा, यह बताता है। दोस्तों, तृतीय भाव भाइयों का भी होता है। व्यक्ति की अंतर चेतना, उसकी इंटरनल पावर, उसकी मानसिक शक्तियाँ कितना व्यक्ति का साथ देंगी या व्यक्ति परिस्थितियों से हार थक करके नशेड़ी और अय्यास बन जाएगा, यह बताता है आपकी जन्म कुंडली का तीसरा भाव। आज की वीडियो में मैं जातक अलंकार नाम की पुस्तक के तीसरे अध्याय का विश्लेषण आपके सामने करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आप ज्योतिष दिखाने के लिए और रत्न खरीदने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए अविलंब विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अति बाल्य या अति वृद्ध अवस्था में है, या तो 6 डिग्री से नीचे है या 24 डिग्री के ऊपर है, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर संघर्षों से जूझने की जो क्षमता होती है वह 30% से भी नीचे होती है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी नहीं होता। यदि आपको लगता है आपके किसी फॉलोवर्स या आपकी जन्म कुंडली में यह योग है, तो समय रहते उपाय करने चाहिए। मंत्र जाप चेतना को जागृत करने का, शक्तियों को जगाने का सबसे सशक्त माध्यम है। साथ ही साथ में पराक्रम स्थान का स्वामी, तीसरे घर का स्वामी यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शत्रु के घर में है या अपनी नीच राशि में है या पाप ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उम्र का एक पड़ाव आ जाने के बाद लमसम 30-32 की उम्र के बाद व्यक्ति हार थक कर बैठ जाता है और भाग्य के भरोसे चलने लगता है। पराक्रम स्थान के स्वामी के अति बाल्य या अति वृद्ध अवस्था में होने पर व्यक्ति नशेड़ी या अय्यास हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में अपनी अंतर चेतना का विकास करने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा और मंत्र जाप का सहारा व्यक्ति को अपने जीवन में निश्चित रूप से लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीसरे घर का स्वामी 6, 8 और 12 घर में है और वहाँ पर उसके साथ में मंगल भी विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति भाइयों से हीन होता है, उसके भाई नहीं होते। और यदि 6, 8, 12 में बैठे हुए तीसरे घर के स्वामी के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि भी है, तो ऐसे व्यक्ति के अगर भाई होते भी हैं देव योग से, तो उसका साथ वे नहीं देते, उसको बीच मझदार में छोड़ देते हैं और बात बात में उसकी बेइज्जती करते हैं, यह निश्चित है। दोस्तों, पराक्रम स्थान के स्वामी का बड़ी बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पराक्रम स्थान का स्वामी यंग है, युवावस्था में है, 8 डिग्री से लेकर 22 डिग्री के बीच में कहीं पर भी है, तो ऐसा व्यक्ति महापराक्रमी होता है और अपने बाहुबल से अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है, बिल्कुल भी किसी के सामने झुकना बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे व्यक्ति अपने मान सम्मान को किसी भी कीमत में ठेस नहीं लगने देते, यह निश्चित है। पराक्रम स्थान का स्वामी यदि भाग्य भाव में बैठा है, आपकी जन्म कुंडली के 9वें घर में बैठा है या 10वें घर में बैठा है या लग्न में बैठा है, 3 भावों में कहीं पर भी बैठा है, तो व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है और देवता भी उसके पराक्रम को देख करके नतमस्तक हो जाते हैं, कहना चाहिए फूलों की वर्षा करते हैं। तो दोस्तों, जन्म कुंडली में, क्योंकि व्यक्ति को कभी कभी अपनी कमियों का पता खुद नहीं चल पाता, तो जन्म कुंडली में पराक्रम स्थानेश के कमजोर होने पर, पाप दृष्ट होने पर, पाप योग में होने पर उसका उपाय करना चाहिए। और यदि पराक्रम स्थान का स्वामी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, निश्चित रूप से व्यक्ति की तरक्की होती है।
कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।